तो सारे नबियां दे जिक्र ते मिला सुना जा की होया जो तेरे बाद नबी कोई नहीं मैं तेनों नौकरी है जो दे दे मांगा जे गली गली तेरे मिलाद ना हो जावा ते मुहम्मद रब कौन आखेगा असि सुननी बड़े खुश नसीब हां के अल्लाह ने साडी मिलाद मनावण ते ड्यूटी लगाई है गिरामी कदर हजरात गज वज के मिलाद मनाओ नौजवानों मिलाद शरीफ दा एक नवा सूट सफेद रंग दा लेके दर्जी नूं दे दिओ सफेद रंग दी एक टोपी खरीद लो नवी सीने ते बैज नबी पाक दे मिलाद शरीफ दा लगाओ ते एक झंडा मिलाद शरीफ दा खरीद लो घर च बच्चे पुछण के साडे घर एडे चा कादे ने ते आखियो साडी ईद आ रही है साडी ईद आ रही है और बनेरे ते झंडा लगा हुए पीटीआई दा ते लोक कहंदे ने घर वाला पीटीआई दा झंडा लगा होवे मुस्लिम लीग दा ते लोक कहंदे ने बंदा मुस्लिम लीग दा है झंडा पीपल्स पार्टी दा लगा होवे ते लोक कहंदे ने बंदा पीपी दा है तो झंडा ही मिलाद दा लगा गुजरन वाले आखन ए कमली वाले दी पार्टी दा बंदा है ए मिलाद वाले दा है ए मदीने वाले दा है ए आशिक रसूल दा घर है तो अपने बनेरियां ते मिलाद शरीफ दा झंडा लगा लो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी जान हजरत आमिना फरमा दिया ने कि जब हुजूर दी विलादत हुई तो जिब्रील तीन झंडे लेके आए एक झंडा मशरिक च लगाया एक मगरिब च लगाया एक काबे दी छत ते बनेरे ते लगाया अल्लाह ने बुनियाद रख दी थी झंडे लगावन दी अपने घर दे बनेरे तो कि जब कमली वाले आवन उदो बनेरियां ते झंडे लगाया जे रब ने अपने घर दे बनेरे तो इब्तिदा कीती ताके सुनिया कुल को पूछे झंडा लगाना किथे लिखे आए ते इन आवाज ते आसानी हो जाए तो लिहाजा अपने अपने बनेरे नु मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे मिलाद दे झंडे नाल सजा लो गलियां और बाजार सजाओ रज रज के नबी पाक दा मिलाद रब्बे काबा दी कसम मिंबर ते खा के कह रहा असि सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह दा नारा लगाइए असि सारी जिंदगी हर साल नाल मिलाद मनाइए ना ते नबी पाक दे एक बार रब्बे हबली उम्मती कहंदा हक दा नहीं करदे असी हजूर दियां दुआवां ते मुहब्बतां ते शफकतां दा हक अदा नहीं कर सकते सिर्फ मिलाद ही नहीं मनाना मिलाद वाले दी सीरत ते सुन्नत ते अमल दी कोशिश भी करनी है कि हजूर ने आउंदे सजदा कीता ते उम्मत नूं दस्या कि मिलाद ओही मनावे जिहड़ा सजदे भी करदा है मिलाद भी मनाना ते नाल सजदियां दी तलकीन भी कर दित्ती कि अल्लाह नूं मिलाद रखना है कुरान मजीद फरकान हमीद दी आयत मुबारक मैं इस ज़िमन दे अंदर पढ़ने दा शर्फ हासिल कीता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लदीन यतबियून अर्रसूल अन्नबियल उम्मी फरमाया ओ लोग जेड़े इत्तबा करदे ने इस रसूल दी जेड़ा रसूल भी है नबी भी है ते उम्मी भी है अल्लदी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील फरमाया ए ओही रसूल है के जिदा जिक्र इस तो पहले तुसा तौरात च भी पढ़िया ते इंजील च भी पढ़िया एदा मतलब ए वे के नबी करीम अलैहि सलाम दा मिलाद सिर्फ असी ही नहीं मना रहे सरकार दी आमद तो पहले अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील कुरान च अल्लाह ने फरमाया कि तौरात च भी मुहम्मद दा मिलाद सी ते इंजील च भी मुहम्मद दा मिलाद सी अल्लाह ने अपने महबूब दे आमद तो पहले भी अपने महबूब दा मिलाद आसमानी किताबां दे अंदर सुनाया ते बयान फरमाया मैं इस आयत मुबारक दे एक लफ्ज़ तो छोटी जी गुफ्तगू करना अर्ज करना चाहना अल्लाह ने फरमाया अर रसूल नबी अल उम्मी फरमाया ए ओ रसूल है जेड़ा नबी अल उम्मी है उम्मी असल च दा बुनियादी तौर ते ते मानी है कि जेड़ा स्कूल ना पढ़िया होवे कॉलेज ना पढ़े यूनिवर्सिटी किसे जामिया दा फारिग तहसील ना होवे उनु उम्मी किया जांदा है कोई होर उम्मी होवे ते ओदा ऐब है कमली वाले दा उम्मी होना मेरे नबी दा शर्फ है कायनात दी तारीख गवाह है कि मेरे नबी ने किसे इंसान दे सामने दोजानों बह के ते अलीफ बा ता सा नहीं पढ़िया पता चलिया कि नबी पढ़ा नहीं आते नबी पढ़ावन वास्ते आते ने फिर नबी नु कौन पढ़ाते फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान फरमाया उर रहमान जिन्हें अपने महबूब नु कुरान पढ़ाया या अल्लाह कदों पढ़ाया फरमाया अल्लमल कुरान खलकल इंसान इंसान बाद च बनाया मुहम्मद नु कुरान पहले पढ़ाया सी तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों आइए मैं लफ्ज़ उम्मीद उते थोड़ी गुफ्तगू अर्ज करा हुन हाथ चुके नहीं उची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज जावे मैं 10 साल बाद तुहाडे आदम के चीमा ना जी जाम के चीमा बेग चक
ਬੇਗਚਕ ਆਦਮ ਕੇ ਔਰ ਜਾਮ ਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਵਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਗਚਕ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲਾ ਸੁਭਾਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਲਾਮਾ ਆਮੀਨ ਫਰਮਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जाए ते तेरा की जांदा जिहड़ा इस तो उच्चा बोले नु मिलाद च बैठा मिलाद वाले नबी दी जागदे ज़ियारत अता फरमा अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर-रसूल अन-नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल-इंजील ने फरमाया ओ लोग जड़े इत्थे बात करदे ने इस रसूल दी जेड़ा रसूल भी है नबी भी है उम्मी भी है हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने उम्मी उम्मी जो निकली आ ओ मुदा मानी माओ आए अल्लाह ने फरमाया अन्नबी अल उम्मी फरमाया ए ओ नबी है जेड़ा मां वाला नबी है अर्ज की थी आला सारे नबी मामा वाले ने एक अल्लाह दा नबी ईसा भी नबी ने जिन्ना दा बाप कोई नहीं मां दे उन्हां दी भी है अर्ज की थी आला सारे नबी मामा वाले ने पर जदू कमली वाले दी वारी आई फरमाया अन्नबी अल उम्मी फरमाया ए मां वाला नबी है अर्ज की थी आला लोग अपने नाम दे नाल अपने बाप दा नाम लिख दे ने जदू कमली वाले दी वारी आई फरमाया अन्नबी अल उम्मी ए मां वाला नबी है अर्ज की थी आला इंज क्यों फरमा रहे हैं अल्लाह ने फरमाया जग वालियो जिवें नबियां च मुहम्मद वरगा कोई नहीं मावां विच आमिना वरगी मां कोई ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਤਾਰੂਫ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਬੀ ਅਲ ਉਮੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾ इच्छा कोई नहीं तैबा इच्छा कोई नहीं मेरे आका दिमाग की सारे जग विच मां कोई नहीं मेरे आका दिमाग की सारे जग विच मां कोई नहीं अल्लाह ने कुरान च मां दा जिक्र फरमाया जिन्ने सानू मिलाद वाला नबी अता कीता है परवरदिगार ने इरशाद फरमाया व तवक्कल अलल अजीज रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम व तकल्लुबक फिस साजिदीन जन्नती जन्नती
ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕੋ ਬਾਬਾ ਡੇਰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਟਕਾ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਚ ਕਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾੜਨੀ ਨੂੰ ਮਾਈ 10-10 ਵਾਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਨੀ ਏ ਕਲਮਾ ਪੜ ਪੜ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਮਿਨਾ ਹੋਵੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਨੇ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਅਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕਈ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਅਲ ਆਯਾਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ ਨਬਾਸ਼ਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਿਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੱਕਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਦਾ ਬਿੰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕੋ ਮਨਹੂਸ ਹੋਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗੈਬੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਹਨਾ ਆਲਿਮਾ ਫਾਜ਼ਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਜੂਮੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਰਾਂ ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਬਿੰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਆਈਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਪਈਆਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਬਿੰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਆਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੋਕੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹ ਬਿਨ ਅਬਦੇ ਮੁਨਾਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਮਿਨਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਦ ਹਿੰ ਨਦੀਰਾ ਉਤਲੀ ਦਨ ਨਦੀਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪ ਨਬੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਮਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬੇਗ ਚੱਕਵਾ ਲਿਓ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਚ
या डीएचए विच जिहदा 10 मरले दा प्लाट होवे ना ते पिंड दे लोक कहंदे ने बंदा करोड़पति है बड़ा ही अमीर है इहदे कोल 10 मरले दा प्लाट है। मैनू सच्ची दसो माई किन्नी अमीर है जिहदे कदमां थले सारी जन्नत होवे जिहदे कदमां थले सारी जन्नत होवे ते मां ते तेरी ते मेरी नहीं मान साडी मां दे कदमां थले जन्नत है ते जिहड़ी होवे मुहम्मद दी मां अपनी मां नाल कितना को प्यार सी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो इधर सैयद आमिना मदीने च जवान हो रही उधर मक्के च हजूर दे अबू जी हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे अज मेरा दिल करदा मैं तुहानू सारी तकरीर ही हजूर दी अम्मी ते अबू दी शान च सुना नाल ही मिलाद बयान हो जाए अब्दुल मुत्तलिब जदों सुबह जाग जाए ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं लैके मदीने आ जा ते उत्थे इक वहाबी नबदे मुनाफ दी बेटी आमिना है उहदे नाल अपने पुत्र अब्दुल्ला दा रिश्ता तय करके आप हजूर दे दादा जी ख्वाब जी पुछदे ने बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम आ फरमाते ने बाबा ते चला गया अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया ते मक्के दे उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार नाल ले ते टुड़े टुड़े मदीना तैयबा आ गए। याद रखियो बेगपुर वालियो ए मदीना मेरे नबी दा खानदानी नानका घर है हजूर नानके भी मदीने हजूर दे अबू जी दे नानके भी मदीने हजूर दे दादा जी दे नानके भी मदीने बनो नजार मोहल्ला हजरत अबू अय्यूब अंसारी दा मोहल्ला जिथे नबी पाक हिजरत करके आए ए मोहल्ला नबी पाक दे दादा जी दा नानका सी हजूर दे दादा जी दी अम्मी हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस मोहल्ले दी सन जदों हजूर दे दादा जी बचपन च यतीम होए ते मां नानके लै गई नबी पाक दे दादा जी दा सारा बचपन अपने नानके मदीने गुजरिया जदों हजरू दे दादा जान हजरत अब्दुल्ला नूं लै के ते मदीने आए ते आपने पुछया ओ मदीने वाले हो ए वहाबी नब ते मुनाफ कौन है लोगों ने आख्या हजूर तुहाडे नाल बचपन च खेलदा रहा है ए तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है वहाब हुण आके ते हजूर दे दादा जी ने जदों दरवाजा खड़काया ना ते नबी पाक दे नाना जी बाहर आए पहली मुलाकात हुई अरब दे सरदारां दी नबी करीम अलैहि सलाम दे नाना जी ने बड़ी आओ भगत कीती बड़ी खिदमत आबादो कीती अरब दे सरदार आए ने मक्के दे चौधरी आए ने काबे दे मतवली आए ने नौजवानों जड़ वेले अद्धी रात वेले मक्की ते मदनी इकट्ठे बह गए नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज कीती लजपाला किधर आए हो हजूर दे दादा जी ने फरमाया आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला है मेरे पुत्र वर्गा पूरे अरब च सोना नौजवान कोई नहीं सुनया तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया हूं नबी करीम दे नाना जी कहन लगे लजपाला आमिना है ही तुम्हारी नबी करीम दे दादा जी ने फरमाया बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करीदे लोग नौजवान दा किरदार पुछदे ने ओदा खानदान पुछदे ने कारोबार पुछदे ने पुछिया भी कुछ ने रिश्ता भी पिया देना है नबी करीम दे नाना जी कहन लगे लजपाला क्यों ना रिश्ता देवा जेड़ा बाबा ख्वाब च तैनू मिलिया है अठ दिहाड़े गुजरे मैनू भी मिलिया किसी का रिश्ता पिंड का चौधरी करावे किसी का रिश्ता पिंड का कमी करावे कमली वाले दी अम्मी ते अबू दा रिश्ता उन्हें कराया जिहड़ा 70,000 नबियां दा दादा है बे मुर्शिद चुप रहे जिहदा मुर्शिद मौला अली है ओ बोले सुभान अल्लाह भाई हाथ नाल दे दा भी चुको ते उच्चा बोलो मैनूं पता लगे मैं नबी पाक दे जिउंदे जागदे नौकरां च बैठा इक ते उमरे दे टिकट दा लंगर है मैनू
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ 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 ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਅਜੇ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਬੋਲੀ एक बारी सारे सुभान अल्लाह फरमाओ मुड़ वापस आइए भाई हजूर दे नाना जी ने आख्या सोणिया मैना है ही तुहाडी जेड़ा बाबा ख्वाब विच तुहानू मिलिया ओ मैनू भी मिलिया नबी करीम अलैहि सलाम दे नाना जी ते दादा जी मिले ते उसे महफले च बैठ के ते निकाह पढ़ दिता गया वक्त दे रिवाज दे मुताबिक नौजवान जड़ी बरात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते ही बन के आए होणगे नबी पाक दी अम्मी जान दुल्हन बन गई तीन दिन बरात मदीने रही तीन दिन दे बाद जब बरात के वापस आई तो सैयद आमिना फरमा दिया मैं दुल्हन बन के मके आ गई मके आई तो आप फरमा दिया मैं नाद करा कि जिस घर चो आई वह भी सरदारा का घर है पर जिस घर में आईया वह तो कायनात का इतना मुआज़ज घराना है कि जिन्हों की गली चो लोग निगाहों से गर्दन झुका के अदब नाल गुजरते हैं क्यों कोई किसी बार का सजादा नशीन कोई किसी दरबार का सजादा नशीन मेरे नबी दे दादा जान काबे दे सजादा नशीन नौजवान फरमा दिया जो पहले मैं पहली बार अब्दुल्ला
फरमा दिया मैनु ख्याल आया एडा हकीम नौजवान है हजरत अब्दुल्ला फरमाने मैं अमीना नु वेखिया इफ्फत ते तहारत ते पाकीज़गी दी ताजदार अमीना अल्लाह ने मेरे हिस्से च रखी है नौजवान वेला गुजरता जा रहा हो निकाह नु तीन महीने गुजर गए नबी करीम दे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला इंतकाल हो गया आप मदीने फौत हो गए ससुराल ते नानके ने मदीने ही कबर बना दी थी उधर मक्के पैगाम पहुंचे आओ सैयदा आमिना जी उड़ी कंपिया कर दिया ने एक दिन नबी पाक दे दादा जी रोंदे घर आ गए सैयदा आमिना दे सिर ते हाथ रखे आ हाथ रख के फरमाउन लगे बेटी आमिना सबर करना होई अर्ज कर दिया बाबा कदा सबर कराओ फरमाया बेटी आमिना दीदी उड़ी काम करनी है अब्दुल्ला ने होना कोई नहीं सैयदा आमिना चीख मार के बेहोश हो गई होश आया दिन भी रोंदिया रात भी रोंदिया ने आवाजा मार के कहदिया वे अब्दुल्ला किरदा जाओ अजे ते मैं रज के वेखे आई नहीं दिन भी रोंदिया रात भी रोंदिया ने एक रात नबी करीम दे दाता जी ने रोंदा वेख लिया अद्धी रात वेले रोंदिया काबे दे अंदर आ गए काबे दे पर्दे फड़ के कहन लगे काबे वाले आओ मेरे दसा पुत्रा चो लड़ लड़ टुट गया है अर्ज की अल्लाह ना बड़े राज हो गया सबर कर जावांगा या अल्लाह या मीना जवान रोंदी वेखी नहीं जांदी काबे च आवाज आई रोना तू ते दुआ दिलां दा सुकून पिया मंगना असा या मीना नु पुत्र देना है जेड़ा दुआ जहाना दा सुकून होवे जेड़ा दो जहान का सुकून होगा दो जहान का सुकून होगा नौजवान उधर हजूर दादा जी काबे च रो के दुआ कर रहे उधर सैयद आमिना फरमा दिया रजब के महीने की जुमे की रात आ फरमा दिया अद्धी रात वेल रोंदी है मेरी अख लग गई आर पे कड़ी रहमतुल्ला अलैह फरमा दे ने टुर गए ने ए दिलदार दिला दे पतनू चुके मोहरावा उजड़ी बस्ती नगरी आवे कंडती जदिया रो मिया सा फरमा देने डर दे उफ नहीं कर दे ये टुर जावने महबूब जी ना दे उन्ना जूंदे ते ना मर दे रात वेले सैयद आमिना दी अख लग गई फरमा दिया एक बड़े रज बाबा मेरे ख्वाब दे अंदर आया कहन लगा बेटी आमिना रोया ना कर फरमा दिया बाबा मेरा अब्दुल्ला भी छुड़ गया आई बाबा कहन लगा रोया ना कर मुबारक देन आया फरमा दिया मैं बाबा किदा साई भी छड़ जाए उनका दिया मुबारक आओ बाबे ने फरमा बेटी रोया ना कर ना तेनू मुबारक देन आया मोहम्मद दी मां बनन वाली फरमा दिया बाबा टुरिया मैं दामन पकड़ लिया बाबा तू कौन है
बाबा कह लगा बेटी पहचाने नहीं के बाबा मैं नहीं पहचाने फरमाया बेटी लोकी मैनू आदम आखदे फरमा दिया बाबा ते चला गया ना सवेरे उठ के अपने बेड़े च फिरनी फरमा दिया जेड़ा पत्थर मेरे कदमा दे थले आंदे ओ मैनू चुभदा ही नहीं ना कदम रखनी पत्थर पिघल के मुंह बन जांदा फरमा अरे अज पत्थर की हो गया एक निका जा पत्थर बोल के कहन लगा आमिना हैरान ना हो अजे ते असी पे पिघलने सोना या लैन दे पड़िया पड़िया पिघल जाना अल्लाह फरमांदा लोहे नू हाथ लगांदे सन ते हदीद अल्लाह फरमांदा लोहा पिघल के मोम बन जांदा सी बेगपुर वाले नौजवानों सच्ची दस्यो ओ जिदे उत्ते रब फजल करे उत्ते लोहे नू हाथ लगावे ते लोहा पिघल जाए उस मां दे कदमां थले पत्थर ना जिदे विच सारा फजल पिया हुआ सदा है पत्थर पिघल रहे हुण बच्चा कहिंदा शेर पढ़ दिओ ते पढ़ दईए भाई आओ कहिंदे ने पढ़ दिओ तुहाडा की जाना पढ़ दिओ पर मैं पढ़ना है पर मेरा दिल करदा तुसीं भी खाली ना जाओ रल नबी पाक दा मिलाद ना मना लईए इस तरह करके सारे हाथ खड़े करो इस तरह नहीं करने इंज करके ना इंज हाथों के कटोरे बना लो वेखो वेला वेखो कि हजूर दे वेला जे पत्थर पिघल के आखदे ने ओ नबी आउण वाले ओ पत्थरा तू कलमे पड़ान दाए ते सुकियां खजूरा उगा जान दाए ओ पत्थरा तू कलमे पड़ा जान दाए ते सुकियां खजूरा उगा जान दाए ओ डुबे हुए बेड़े तरा जिदा जिदा ईमान हाथ चुके मेरे नाल आखे ओ डुबे बेड़े तरा जान दाए ओ डुबे बेड़े तरा जान दाए ओ डुबे बेड़े तरा जान दाए गल्ला करा जान दाए ओ गुंगे आथी गल्ला करा जान दाए तेरा तू कलमे पड़ा जान दाए ते सुकियां खजूरा
कमाई ते पलदा बेशक ना बोले जिदा लंगर मदीने आउंदा उच्चा बोले ओ पत्थरा तू कर में पड़ा जान दाए ते सुकिया खजूरा उगान दाए ओ डूबे बेड़े परा जान दाए ओ डूबे तरा जानदाए गुंगिया की गल्ला करा जानदाए ओ गुंगिया की गल्ला करा जानदाए ओ पत्थरा तू कल में पड़ा जानदाए तो कल में पढ़ा जानदा है ते सुखियां खजूरा उधार की तस नहीं थे अजय ते मिलाश्री पढ़ लिया ना भाई वक्त थोड़ा फिर सही नौजवानों पत्थर पिघलन लग पे अभी पाक दी अम्मी फरमा दिया ने पत्थर कहते ने बड़े बड़े पिघल जान ते तुसी सुभान अल्लाह गल के बोलो और हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ नहीं चुकने मत के जरे कोई शहीद ना हो जाए उन आखे लंगर है जी है। थोड़ा घरों भी खा के आए करो है बंदा सुभान अल्लाह कह के कोई जाने ते यदि अम्मी ने दस के भेजा तू ते पलिया ही कमली वाले दे लंगर दे सुन नहीं मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह क्योंकि जिदा खाइए ओदा ही गाइए जेड़ा हुजूर दा खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਖੋਦਿਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਹਜੁਦ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਫਰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਪੇ ਖੰਦਜ਼ਨ ਫੂਕੋਂ ਸੇ ਇਹ ਚਰਾਗ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਭੁਜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਸੀ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾਹ ਮੁਤਿਮੁ ਨੂਰਹੀ ਵਲਉ ਕਰੀ ਹਲਕਾ ਫਿਰੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਗਾਵੇ ਕਦ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਬੁਝਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਮ ਰਵੇ ਹਰ ਦਮ ਰਵੇ ਬਈ ਦਮ ਦਮ ਰਵੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਜਦਾ
जिस दीवे नू आप जगावे ओ कद किसे तू बुझदा जिस दीवे नू आप जगावे ओ कद किसे तू बुझदा। ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਣ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਹੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਜਾਲ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੱਢੀਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹੇ 'ਚ ਸੱਟਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਖੂਹਾਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੁਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਅਨੀਸੁਲ ਜਲੀਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਉਹ ਰੱਸਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੱਢੀਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਸਯੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਖੂਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ
पहला जेड़ा कलाम कीता महलीमा फरमाउंदी है सच अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला या इंज कह लेना ए अल्लाहु दा जिक्र तो मैं कह रहा हूं छेड़ के जिक्र ला ला क्योंकि हजूर दादा जी अपने पुत्रां नूं नाल लैके दीवार काबा बना रहे आप फरमा दी रात जा रही ते दिन आ रहा ते मैनूं इंज लगा जिवें पुत्र दे आउण दा वेला हो गया है आ फरमा दिया मैं रो के अर्ज की अल्लाह दुनिया की आम औरत भी हो बच्चे की विलादत वे खिदमत आए तो मैं तो तेरे महबूब की मावा तो मेरी खिदमत ली कोई नहीं आ फरमा दिया मैं रोन लगी मेरे कमरे की दीवार फट गई चार चल मैं कदिया औरत अंदर आ गई नहीं कौन सारे तो वडेरी कह लगी मैं ना रोई ना मैं आदम की बीवी हवा आई हूं दूसरी कह लगी मैं इब्राहिम की बीवी सारा वा तीसरी कह लगी मैं फिरौन की बीवी ऐसी आवा चौथी कह लगी मैं ईसा की मां मरिया वा मैं पूछनी नहीं किधर आया कह लगिया मुकदरा ते नवाद करनिया वा मुहम्मद दिया बन के आया फरमा दिया चारे औरत मेरे इर्द गिर्द बैठ नूर फरमा दिया फिर मैं नूर नू जन्म दिता फरमा दिया इना नूर चमकिया इना नूर चमकिया के दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया के दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा इस बात का इतराफ करो नाले मिलाद मनाओ सारे हाथ खड़े करो भाई सारे जेड़ा नहीं भी करदा तौफीक नहीं वह भी कर लवे के सारे पढ़िए आ गया सोना सवेरा हो गया ए सवेरा हो गया भैया आ गया सोना सवेरा हो गया जेड़ा इच्छा बोलिया जे राती खाब च कमली वाले आन सुबह बेकपुर दिया गलिया च फिर नाले यही आखे आ गया सोना सवेरा हो गया ये सवेरा हो गया भैया गया सोना सवेरा हो गया कद जा अल्लाह नूर आ गया सोना सवेरा हो गया बसिराज मुनीरा आ गया सोना सवेरा हो गया अल्लाह नूर समावाती वल अर्द तसल नूर ही आ गया
सवेरा हो गया पल्लाह मुती मुनूरी आ गया सोना सवेरा हो गया सवेरे पूछे नहीं लाइटिंग क्यों कराई ए स्टेज क्यों बनाया ए मिलाद क्यों मनाया इना लंगर क्यों पकाया अली अमर साहब कोई जवाब नहीं देना बस इन्हें कहना आ गया सोना सवेरा हो गया ए सवेरा हो गया तैया गया सोना सवेरा हो गया नबी पाक दी फुफू हज़रत सफिया फरमांदी उस वेले कमरे च मैं भी आ गई मैं देखिया कमरे च दीवा पिया बलदा दीवे दी लो नजर ही ना आवे किधर वेखनिया आ गया सोना सवेरा हो गया ए सवेरा हो गया तैया गया सोना सवेरा हो गया तभी करियो दी अम्मी फरमा दिया नहीं बैठी मैं मक्के दे अंदर आओ इना सवेरा आओ मक्की की बैठ के मैं मुल्के शाम दे महल पे वेखनी आ गया सोना सवेरा इंज नहीं हद खड़े करके लहरा के सारे मेरे दादी बन जाओ आ गया सोना सवेरा हो गया सवेरा हो गया भैया गया सोना सवेरा हो सबादरे मुस्तफात जाके कवि दरुदो सलाम मेरा सलाम मेरा सलाम हवाए
द्रौपदियां दरूदों की दो फूल सलामों के करुणा मेहर मियां मोहम्मद सलीम साहब की तरफ तो कटे ये माई साहबा ने जी फरहत बतूल जोजा जुल्फार अली फरहत बतूल चक बेग फरहत बतूल तुहाडी वालदा ने क्या वो महफिल च मौजूद ने जी اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری عاجزانہ حاضری قبول فرما مہر محمد سلیم صاحب نے اور علی احمد صاحب نے اور قاری صاحب کی بلا دیگر اہل خانہ نے جڑا اہتمام تیرے محبوب پاک دے ملا شریف دا کیتا قبول فرما کے بلندی دے درجات دا باعث بنا اے مولا کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مولا ساری سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا سیدہ آمینہ تے اما حلیمہ دی گودی چ کھڑے اس محبوب دا صدقہ مولا تمام بے اولاداں نوں نیک اور صالح اولاد نورینا عطا فرما تینوں تیرے محبوب دے بچپن تے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک تے صالح زندگی سی فرما اے مولا کائنات پریشان